भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी मां को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर कहा कि मां महज बच्चे की जननी नहीं होती बल्कि परिवार को संभालने का आधार स्तंभ भी होती है, लेकिन यहां तो ईडी परिवार को संभालने वाले वृद्ध मां को परेशान कर रही है। विरोधी दल के इशारे पर मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। पहले मेरी माँ को नोटिस जारी किया गया और अब उनके पुश्तैनी संपत्ति को अटैच कर सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि भिलाई ही मेरा घर है और भिलाई की जनता ही मेरा परिवार है, परंतु भाजपा को यह भिलाई की जनता का साथ मेरे पारिवारिक रिश्ता खटक रहा है, इसलिए ईडी को हमें परेशान करने का टारगेट दिया गया है। चलिए अब वो विपक्ष के लोग हैं, कुछ तो करेंगे, करने दीजिए। ईडी के सामने आप, मैंने उसको पढ़ा है लेकिन उसमें कोई ऐसा रीजन भी नहीं है, और मैं तो तभी मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जो बात कही ना, मुझे संविधान और लोक संविधान पे विश्वास है, कानून न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि इसके विरुद्ध में मैं अपना मत रखूंगा, क्योंकि ये 2011 में मेरी माता के द्वारा खरीदा हुआ मकान है जिसमें मेरी माँ ने मुझे भी साथ में जोड़ के रखा था, और 2000 मुझे लगता है 21 तक तो इसके जितने भी लोन बैंक लोन था वो भी उसके उस समय तक क्लियर हुआ, और उसके बाद ये जो भी प्रकरण से ये जोड़ रहे हैं ये तो इसमें वैलिड ही नहीं होता है, ये वैलिड ही नहीं होता है, तो ये कैसे जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग लीगल ओपिनियन के साथ मैं इस पे आगामी कार्रवाई करूंगा, और इसको तत्कालीन होती तो वो उसको अटैच भी कर सकते थे, लेकिन 2011 की बात, 2011 की नहीं। मुझे देखो, इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भिलाई की जनता पे, बहुत जागरूक जनता है और वो सब कुछ जानती समझती है और अध्ययन करके समझ कर ही फैसला लेती है, तो मुझे लगता है वो अच्छा फैसला लेगी जो भी लेगी। जो अब नाम आ गया तभी हो सकता है अटैच करें, क्योंकि मैं मीडिया में बहुत मुखर होकर आ गया, अपना ईडी और सीबीआई के माध्यम से ही देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे डरते नहीं है। अधिकारी ने तो सही जानकारी दी मुझे, ट्विटर हैंडल गलत था, अधिकारी ने ये कहा कि आपके ऊपर कोई भी अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जब होगी तो आपको इसके लिए अंडर सेक्शन 5 का जो लॉ जो उसके आधार पे कहता है उसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको कागज दिया जाएगा हैंड टू हैंड, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी, तो वो हैंड टू हैंड कागज कल मिला और प्रेस रिलीज पहले हो गई एक दिन पहले, तो यही तो विरोधाभास है, यही तो इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पीआरओ डिपार्टमेंट पहले से समझ ले रहा है कि क्या करना है, वो ट्वीट कर दे रहा है, वो प्रेस रिलीज कर दे रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं अरे ये कार्रवाई नहीं हुई है, पहले ही रिलीज हो गया। मैंने तो तस्वीर भी खिंचा के रखी है कल दोपहर की, कि जब मुझे ईडी इस पे एफआईआर हुई है और जांच भी चल रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी, आप देखे होंगे जितनी भी कंपनियों का लोकार्पण जब होता था तो उसमें भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे, ये सब लोग फीता काटने जाते थे, तो ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि ईडी इसकी जांच करे। हालांकि रिजल्ट नहीं है तो हम यही मानते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप एक नैरेटिव बनाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो, और आज के समय जनता सब जानती है, ये इतना आम हो गया है, ईडी सीबीआई सुनने सोचने में भी पहले बहुत बड़ा लगता था, अब तो ये पता चलता है कि हर दूसरे गली में किसी के यहाँ पे आईटी सीबीआई ईडी आ गई जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो इतना आम हो गया, और ये ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ का, इस पे कानून बनाया केंद्र सरकार ने नहीं बनाया, केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कानून इस पे और इसको रुकवाना चाहिए, लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी बढ़िया कार्रवाई करके दिखाया जो देश के अंदर एग्जाम्पल है।